So today we are discuss how should we plan for UPSC 2024. Hello everyone, myself Chetna, career psychologist with Yojana Aayush. So today we are discuss how should we plan for UPSC 2024. So today I'll discuss some tips, okay, with you. So let's start. Firstly, I'll share you first tips with you. Complete your all basic books for mains and prelims for February 2024 and make notes for important, all important books. So basically, देखिए first जो point है वो आपका ये है कि आपके जो भी basic books है prelims हो या फिर mains हो वो अभी तक ना आप February 24 तक वो क्या कर लो आप complete कर लो. लाइक जो भी आपको देखो अब तक NCERT अगर आपके कुछ रिमेनिंग है तो वो आप इसे कंप्लीट करो एंड उनके जो क्रिप्सी नोट्स होते हैं वो अब तक आप बना लो. क्योंकि देखो जो भी आप पढ़ रहे हो ना चाहे वो मेंस के लिए आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो या फिर प्रीलिम्स के लिए भी स्टैंडर्ड्स हम पढ़ते हैं बट जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं क्योंकि होता है क्या हम कितना भी आगे एडवांस के लिए हम पढ़े लेकिन जो भी आपकी जो भी लॉन्ग जर्नी होती है उसमें क्या होता है ना एंड तक चीज़ों को याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. और एंड तक हम ये तो नहीं दोबारा से हम NCERT खोलेंगे नहीं तो उसके लिए बेस्ट आपके लिए होता है कि आप उनको साथ साथ क्या करो नोट्स बनाते हो चलो वो भी क्रिप्सी नोट्स शॉर्ट नोट्स कीवर्ड्स पे होने चाहिए कि भाई आपको एंड में वो रिवाइज करने में जब उसको आप खोलो तो आपको वो ईजी हो आपके लिए. क्योंकि हमें क्या होता है ना सब चीज़ नहीं पढ़नी होती हमें जो भी इम्पॉर्टेंट है फैक्ट्स हैं उसके जो भी इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए हम वही पढ़ना होता है तो आप उसे क्या करो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलो और उसको क्या करो आप रिवाइज करो. फाइन तो सेकंड क्या है आपका कंप्लीट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट February 2024 एंड एटलीस्ट वंस एंड मेक प्रॉपर नोट्स. तो देखिए फॉर द 2024 एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप क्या करो अगर अभी तक किसी भी एस्पिरेंट ने इनका ऑप्शनल नहीं उन्होंने स्टार्ट करा है तो आप देखो इस मंथ अपना स्टार्ट कर दो क्योंकि किसी भी ऑप्शनल को एंड होने में ना मैक्स 4 मंथ तो लगते ही हैं. अगर आप सोशियोलॉजी की मैं बात करूँ सोशियोलॉजी ऑप्शनल बहुत छोटा है ऑप्शनल और कहीं ना कहीं अंडरस्टूड भी रहता है इजी सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड नहीं भी होता ठीक है आर्ट्स का बट अंडरस्टूड रहता है. तो बेसिकली 4 मंथ तो मैक्सिमम लगते ही हैं तो आप क्या करो अभी अपना ऑप्शनल स्टार्ट करो ठीक है और February 24 तक उसको एंड कर दो और उसको साथ साथ उसके नोट्स पे बनाते हुए जाना ठीक है. एटलीस्ट एक बार तो अपना ऑप्शनल आप पढ़ लो अब तक ठीक है. नाउ थर्ड इज क्या है कीप डूइंग आंसर राइटिंग एट रेगुलर इंटरवल एंड राइट एटलीस्ट 1 essay ईच मंथ. देखिए आपको क्या करना है इस मंथ से अपने मेंस के लिए आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है और रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 1 answer तो आप लिखो GS का ठीक है एंड डेली आप मंथ में 1 essay ज़रूर लिखो. उससे क्या होगा ना आप प्रैक्टिस मोड में बने रहोगे ठीक है. इवन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो आपके अभी रिमेनिंग इस ईयर की जो 3 months हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसमें क्या करो आप डेली बेसिस पर एक आंसर राइटिंग प्लस ईच मंथ आप क्या करो एक essay पेपर ज़रूर उसको आप क्या करो लगाओ एज अ टेस्ट. फाइन नाउ फोर्थ इज कीप सॉल्विंग MCQ फॉर प्रीलिम्स एंड एटलीस्ट 1.5 hours ईच डे. देखिए आपको क्या करना है डेली बेसिस पर ज़्यादा नहीं आधे से 1 घंटा अपने MCQ लगाने हैं वो प्रीलिम्स के लिए. होता है क्या है ना कि हम कितना ही हम आगे हम चीज़ों को पढ़ ले बुक्स मतलब नोट्स बना ले कुछ भी जब तक हम MCQ नहीं लगाते हैं तो हम अपना को जज नहीं कर पाते कि हाँ आप कितना ज़्यादा सही कर पा रहे हो क्वेश्चन गलत कर पा रहे हो प्लस आप टाइम को कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इवन आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे मई में जब आपका एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स ठीक है तो उसमें क्या होता है ना हम एकदम से तो टेस्ट के फ्लो में आते हैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप डेली ज़्यादा नहीं आधे से 1 घंटा क्या करो MCQ की आप प्रैक्टिस करो. फाइन फिफ्थ जो है आपका रीड द न्यूज़पेपर डेली एंड रीड द करंट अफेयर मैगजीन्स ऑफ 2 good कोचिंग इंस्टीट्यूट. देखिए अभी आप करंट अफेयर पढ़ते हो खुद से भी या फिर जिस भी कोचिंग से आप मतलब कोचिंग ले रहे हो जिस भी इंस्टीट्यूट से आप ले रहे हो कोचिंग फाइन तो एटलीस्ट 2 coaching के इंस्टीट्यूट के तो आप मतलब नोट्स हो प्रेफर करो. उससे होता है क्या क्वालिटी तो होती है सब्जेक्ट लेकिन कुछ कुछ कंटेंट की कमियाँ होती है तो एटलीस्ट वो वहाँ से कवर होती है
ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं देखो करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके प्रिलिम्स में भी मेंस में भी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो आंसर को बेटर करती है इवन आपके इंटरव्यू में भी, तो कुछ चीज़ मिस ना हो आपसे, ठीक है। तो एटलीस्ट दो इंस्टीट्यूट के तो आप करंट अफेयर प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। नाउ सिक्स पॉइंट्स क्या आपका फ्रॉम जनवरी फरवरी, ये 2024 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जनवरी एंड फरवरी गिव फुल टाइम टू प्रिलिमिनरी एग्जाम प्रिपरेशन एंड सॉल्व एज मैनी एमसीक्यू, देखो मैनी एमसीक्यू की बात हो रही है, एज पॉसिबल रीड सॉल्यूशन रिवाइज और बेसिक बुक्स एंड करंट अफेयर मैगजीन्स मल्टीपल टाइम्स। देखिए 2024 एग्जाम के लिए जो आपका जनवरी और फरवरी मंथ होता है ना बहुत क्रूशल होता है, बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें आपको करना ही क्या है, इसमें बेसिकली आपको जो भी अब तक आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके जो भी आपका बेसिक, जो भी आपका मेंस के लिए जो भी बेसिक है, ठीक है, सो ये करना आपको रिवाइज करना, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, आप सोचो मैं कुछ नया पढ़ लेता हूँ, नहीं, आपको जितना भी आपने आपको कवर कर उसको रिविजन करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, फाइन। और आपको डेली क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सके आपको एमसीक्यू लगाना है आपको प्रिलिमिनरी के लिए, फाइन। तो अपना सोल्व करो विद सॉल्यूशन के साथ, एंड करंट अफेयर्स जो जितना भी है आपको बेसिक जो है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। तो जनवरी और फरवरी में वो करना क्या है, रिवीजन पे फोकस करना है, जितना हो सके रिवीजन आप करो। नाउ देखो लास्ट चीज़ यही है कि आपको देखो आप इतने बड़े एग्जाम के लिए जो आप टाइम डिवोट कर रहे हो ना, तो इसमें आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना एंड फिट होना। उसके लिए क्या करना है आपको डेली, आपको ज़्यादा नहीं एक से दो घंटे क्या करना है आपको, 1 to 2 hours आपको डेली क्या करना है अपने आप को देना है। लाइक अपने आप को देने का मतलब ये अपनी फिजिकल और अपनी मेंटली हेल्थ को आप कैसे स्ट्रांग रख सको, क्योंकि हम इसमें इतना पढ़ते हैं कि हमें कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली आप अच्छा खाओ फिजिकली के लिए, ठीक है, मेंटली के लिए आप क्या करो जो भी आपको पसंद है, घूमना, एक्सरसाइज करना, जैसे लड़कों का है जिम जाना या फिर योगा करना मेडिटेशन के लिए, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है रूटीन में आप 1 to 2 hours अपने आप को दो, ठीक है। होता क्या है कि बिना मेडिटेशन या फिर बिना अपने आप को फिट रखे हम उस चीज़ को इतना अच्छे से एनर्जेटिक वे में नहीं कर पाते, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इस तरह के टिप्स देखिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर आप 2024 के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फाइन। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।